अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, अल्लाह छुपाश होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ एंड स्पेशली अपने करण के साथ। एक बार फिर आप सब दोस्तों को वेलकम है हमारे शो में। शो का नाम है टुकाई और आज हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है राखी सावंत। तो हम जा रहे हैं एक बार फिर राखी सावंत की टुकाई करने। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त ये वीडियो तो देख के एंजॉय करोगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मीटू को प्रमोट करने के लिए तनुश्री को खूब पैसे मिले गए हैं। रेड मर्सिडीज और पता नहीं कौन सी गाड़ी है, आप देखिए। पूरी बॉलीवुड को गिराकर बदनाम करके बॉलीवुड। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है दोस्तों कि आजकल बॉलीवुड में हैशटैग मी टू ये चल रहा है। पता नहीं ये हैशटैग मी टू क्या है, पर इतना मुझे पता है जब तक मैंने रिसर्च किया तो मुझे मिला कि जब बॉलीवुड में हीरोइंस के साथ जो डायरेक्टर्स हैं या फिर एक्टर्स हैं उसके साथ कुछ बुरा होता है, मतलब जो कहते हैं हरसमेंट, सेक्सुअल हरसमेंट, तो उस हवाले से आजकल बॉलीवुड में बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है लोग, स्पेशली नाना पाटेकर हैं और साजिद खान हैं। उस हवाले से नाना पाटेकर पे तनुश्री दत्ता ने 10 साल पहले की केस अब उठाया है और इस हवाले से ये जो बीमारी है राखी सावंत, ये जो चुतियापा फैला रही है, ये आप सब दोस्त देखिए और इन्जॉय करो। अरे मुझे तो सबसे ज़्यादा दुख ये हो रहा है, आलोक नाथ जी पर इल्ज़ाम लगा। जो इंसान जवानी में कुछ नहीं कर सका वो बुढ़ापे में क्या करेगा, बताइए। ऐसे मुझे नहीं पता कि आलोक नाथ जवानी में कुछ किया या नहीं किया, बुढ़ापे में तो नहीं कर सकता। खैर, तो मैडम साहिबा कहते हैं कि मुझे तो अफसोस है और इसका रोना देखो मगरमच्छ की आंसू, कसम से इतनी चुतिया लड़की मैंने, इतनी चुतिया औरत मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी जितनी की ये है। और कह रहे कि आलोक नाथ जब जवानी में कुछ नहीं कर सका तो अब बुढ़ापे में क्या करेंगे। अरे मैडम, आपको क्या पता उन्होंने कुछ किया है या फिर नहीं। अगर आपको ये पता है, आपके साथ प्रूफ है, तो आप फिर कह सकती हो। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है तो अपना जो मुँह का गटर है, मुँह का गटर की शटर मत खोलिए प्लीज़। अन्नू मलिक जी इतने ग्रेट सिंगर है, आज मैं कहना चाहती हूँ अन्नू मलिक जी के बारे में। चार चार घंटे में उनके साथ कमरे में रही हूँ, मेरे पास वीडियो हैं, शोज किए हैं मैं उनके साथ इतने, मुझे तो कभी हाथ नहीं लगाया अन्नू मलिक जी ने। तो मैडम ने अन्नू मलिक के साथ शोज किया है और चार चार घंटे एक कमरे में रही है, तो अन्नू मलिक ने कुछ नहीं किया। मैडम एक बात बताइए, आपको ये अफसोस हो रहा है या फिर आपकी दिल ख्वाहिश है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। पर अन्नू मलिक को तो पता है अगर मैंने इसके साथ कुछ किया तो ये बीमारी मुझे भी लग सकता है, इसीलिए अन्नू मलिक ने आपके साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि ये जो बीमारी है राखी सावंत नाम की, ये ऐसी ख़तरनाक बीमारी है कि इसका जो गटर की शटर है ना, ये हर जगह खुलेगा, तो इसीलिए उन्होंने अपने आप को आपसे दूर रखा। तो बराए मेहरबानी आप आराम से बैठिए। और इसके बाद इसी वीडियो में मैडम ने एक और क्लिप दिखाया है खुद अलग से बना के, कहती है कि हिंदुस्तान की लड़कियाँ कैसी सेफ रहेगी, तो आप लोग भी देखिए और इंजॉय कीजिए। हिंदुस्तान की लड़की कैसे सेफ रहेगी, तो आप देख लीजिए। साइलेंस प्लीज। तो जी हाँ, आपने देखा वीडियो। या खुदा, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं जाता। खैर,
तो मैडम अपने आप पे हंस रही है और एक साइंटिस्ट अपने आप को बता रही है कि राखी सावंत द साइंटिस्ट, जिन्होंने एक नया तरीका ईजाद किया है लड़कियों के लिए। तो लड़कियों देखो और सुनो, द साइंटिस्ट राखी सावंत ने आप सब दोस्तों के लिए क्या ईजाद किया है। तो मैडम ने एक ताला लगाया हुआ है, वो भी उस जगह पे जहाँ पे यार क्या कहूँ कसम से, ये ताला लगाने का जगह है यार, ये वो ताला है जो पुरानी फिल्मों में, जो हॉरर मूवीज है, एक संदूक को लग जाता था, तो वहाँ से ये मैडम ने ये ताला चुराया है और लगाया है गोदरेज का ताला। अरे मैडम ये आप ताला नहीं लगा रहे, बस आप सिर्फ प्रमोशन कर रहे हो इस ताले की। खैर दोस्तों अब इस बारे में क्या कहूँ, इस मैडम ने इसी वीडियो में कुछ और करतूत भी दिखाए हैं, तो आप लोग वो करतूत भी देखिए, उसके बाद उसके हवाले से बात करेंगे। तमंचे पे डिस्को, मैडम ये तमंचे पे डिस्को नहीं, ये ताले पे डिस्को। तो मैडम जो हकीकत पेश है ना, तो उन्होंने ये दिखा दिया कि ये जो हकीकत में क्या चीज़ है ना, वही करती है ना। जब इंसान एक काम करता है ना, तो उसी का लाइफ बन जाता है, तो तभी ऐसी हरकतें करते हैं। अब मैडम का मसला क्या है, ये तो फिल्मों में काम करने से रही, अब इसको अटेंशन चाहिए। अटेंशन कर लेने के लिए ये मैडम कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करती है। कभी ये मैडम बाथरूम में बैठ के पोटी नहीं निकल जाती है, कभी ये अपने आप पे ताला बांध के कहती है कि सारे लड़कियों के लिए ये एक ज़रिया है रेप से बचने के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट से बचने के लिए। तो मैडम मुझे नहीं लग रहा है कि ये कुछ सही तरीका है, बराए मेहरबानी ये अपना चुतियापा, ये जो गंद पहला रखी है आपने, ये बंद कीजिए, वरना एक दिन आएगा आपका हाल भी ओम स्वामी जैसा होगा। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर आ गया तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंजॉय द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।